अगर आपके घर में बालकनी है, छत है, अगर ज़मीन है तो कहने ही क्या, तो आप कम खर्चे में भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, आपके पास आपकी इच्छा है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ऑर्गेनिक सब्जी अपने छत पे, अपनी ज़मीन पे उगा सकते हैं। तो अगर आप ये सब सस्ते में चाहते हैं कि काम हो जाए, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ किस तरह से आप लो बजट में अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कंटेनर। तो जैसे कि जो जब कंटेनर, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज का चुनाव कैसा होना चाहिए, और कीटाणुओं से बचाव किस तरह से करें सस्ते में, तो नंबर वन आ गया कंटेनर का। तो कंटेनर क्या होता है कि जो ये जो कंटेनर, जैसे जो ग्रो बैग आते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, गमले होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। तो देखिए, मैंने टंकी में को काट के इनमें बेल वर्गी सब्जियां लगा रखी हैं, पेंट के डिब्बे देखिए इस तरह से, और ये जो फ्लैश होता है उसका जो कंटेनर है उसमें देखिए मैंने एलोवेरा उगाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी किसी कबाड़ी को अपना दोस्त बना सकते हैं, और कबाड़ी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि हमारे घर से कबाड़ा भी ले जाते हैं और साथ में हमें पैसे भी दे जाते हैं। और ये सस्ते में हमें डिब्बे और कंटेनर हमको मुफ्त में मिल जाते हैं, कभी कभी वो बहुत बहुत ही सस्ते में ये सब दिखे जाते हैं। तो उसमें हम अपनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने समाज की रिसाइकलिंग में भी मदद कर रहे होते हैं। अगर जैसे कूलर है, ये है और डब्बे हैं, तो उनको आप पेंट करा लीजिए, और पेंट करा के उसमें आप चित्रकारी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका गार्डन भी हरा भरा रहेगा और आपका गार्डन अच्छा लगेगा। तो इस और दूसरा चीज़ ये है कि मिट्टी, अब इसमें थोड़ा मिट्टी में थोड़ा सा खर्चा होता है, जैसे कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या है कि आप 40% कोकोपीट मिला दीजिए, तो कोकोपीट में थोड़ा बहुत खर्चा होता है। तो इसको, और लेकिन इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप कोकोपीट अपने मिट्टी में मिलाते हैं ना, तो उससे पानी की बचत होती है। तो पानी की, इसमें क्या होता है, जब पानी वो नमी को मेंटेन रखता है हमारे हमारे पौधों में, हमारी मिट्टी में, तो मिट्टी क्या होती है, बार बार सूखती नहीं है। और हमें पानी अगर हम 2 दिन एक दिन बाद भी दें, या सुबह दिया शाम को ना दें गर्मियों में, तो भी चल जाता है अगर उसमें कोकोपीट मिला हुआ होता है। और इसी तरह से आप तीसरी चीज़ है बीज। तो बीज अगर हम ऑनलाइन लेते हैं या किसी महंगे शोरूम से लाते हैं, तो वो हमें काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो हमेशा हमें देसी बीजों का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि देसी बीज जो होते हैं वो हमें अपनी मंडी में मिल जाते हैं या छोटे मोटे नर्सरी में मिल जाते हैं। तो ये एक तो देसी बीजों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं ना, उसके आदी होते हैं, और हमारे लोकल पेड़ों से निकले हुए होते हैं, तो उन्हें हमारे इन्वायरमेंट की आदत होती है, तो उनका ध्यान हमें कम रखना पड़ता है, और वो हमको सस्ते मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें देसी बीज ही प्रेफर करने चाहिए। चौथा, अगर अगर तोरी या बेल वर्गीय प्लांट आप लगाते हैं, तो इसमें महंगा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप छोटा मोटा जुगाड़ करके उसे ऊपर चढ़ा सकते हैं, जैसे कि जो रास्ते में या सड़कों के किनारे टहनियाँ पड़ी होती हैं उनको आप लगा सकते हैं, पुराने दुपट्टे हैं उनको आप उसको बांध के आप ऊपर चढ़ा सकते हैं, या जैसे आपके पास नारियल की रस्सियाँ पड़ी होती हैं बहुत बार, तो उनको भी आप ऊपर चढ़ाने में आप मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम भी बन जाएगा और आप सस्ते में अपनी बेलों को ऊपर चढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 महीनों के लिए ही ये होती हैं बेल वर्गीय सब्जियाँ। तो आप इस तरह से जुगाड़ करके अपनी बेल वर्गीय सब्जियां भी चढ़ा सकते हैं और अच्छी सब्जी पा सकते हैं। पांचवा है कि
कीटाणुओं से बचाव कैसे हो? तो बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए सबसे पहले तो देसी बीजों में बीमारियां वैसे ही कम लगती हैं, और उसमें हमको क्या करना चाहिए, नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए बीच बीच में। अगर आप नीम ऑयल भी नहीं लेना चाहते, इतना भी खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप क्या कीजिए कि नीम के जो पेड़ हैं वहाँ से पत्तियाँ तोड़ लाएँ और उसे उबालें और उसमें 4 गुना पानी मिलाकर बीच बीच में स्प्रे करें। और या और दूसरा क्या है कि आप बायो एंजाइम भी बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बायो एंजाइम का मेरे चैनल पे है, तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने चावल का एंजाइम भी बनाया था, वो कीटाणुओं के लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से, और अगर फिर भी बीमारी आपके पौधों में लग रही है, तो आप क्या करते हैं, लहसुन और मिर्च के पानी में 10 गुना पानी के साथ मिला के उनको पीस लीजिए और 10 गुना पानी मिलाकर उसका स्प्रे कीजिए। तो इससे भी आपके पौधों का अच्छा बचाव होगा कीटाणुओं से। और नंबर 6, अगर आपका फूल आता है पौधों में, बेल वर्गीय सब्जियों में, और सड़ जाता है या फिर उसमें फल नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कीजिए। और यह सबसे अच्छा इसका उपचार यह है कि आप पीले पीले फूल लगाइए, बहुत सारी मात्रा में फूल लगाइए, जिससे पॉलिनेटर खुद आपके छत पर आए और आपके गार्डन में ये सब्जियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी और आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और 7वां जो होता है, कभी भी आप ओवर वाटरिंग ना करें। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं, और हमेशा हमारे जो फूल होते हैं, जो उसमें फल बनने के लिए फूल आए रहते हैं, वो हमेशा झड़ जाते हैं। तो ये ओवर वाटरिंग के कारण भी होता है। दूसरा, जो केमिकल्स होते हैं, अगर हम ज़्यादा अपने पौधों में केमिकल्स का छिड़काव करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जो फूल बनता है वो झड़ जाता है। तो इस तरह से हम लो बजट गार्डनिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, मैं अपने गार्डन में मैं अपने छत टेरेस पे क्या करती हूँ कि जो आप कटाई करते हैं ना, तो उसकी जो लीव्स होती हैं उनको उसी में डाल देती हूँ, तो उसको सुखा लेती हूँ और उसी में ही उसको डाल देती हूँ। तो उससे क्या होती है, आपको पत्तियों की खाद भी मिल जाती है और जो उसकी स्टिक होती है, डंडे होते हैं, उनको गाड़ गाड़ के जैसे बीन्स के पौधे में लगा दिया या किसी बेस देने के लिए किसी भी पौधे में लगा देती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से पौधे भी मेंटेन रहते हैं और हमारे जो जो पौधे जो प्लांट हैं उनको फ्री की खाद भी मिलती रहती है। इससे हम खाद भी फ्री में बना सकते हैं। दूसरा, हमारे जो पील्स होते हैं, जो पत्तियों के जो पत्तियां होती हैं या फिर जो जैसे फल के छिलके होते हैं, लौकी जैसे लौकी के हो गए, तोरी के हो गए, सब्जियों के, इस तरह से सारी चीज़ों को हम मैं जमा कर लेती हूँ और उसकी भी मैं खाद बना लेती हूँ। तो वो खाद भी हम अपने अपने गार्डन अपने छत पे या अपने अपने ज़मीन पे डाल सकते हैं, जिससे वो बहुत बढ़िया खाद बनती है। आपने देखा होगा कि जंगलों में पेड़ इतने हरे भरे क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनके पत्ते जो झड़ते हैं ना नीचे, और वही क्या होता है, खाद बन जाती है उनकी, क्योंकि उसमें जब जैसे बारिश होती है या पानी गिरता है तो वो क्या होता है, सड़ जाते हैं और वही खाद बनते हैं और वही पेड़ काफ़ी अच्छे से उसको काफ़ी पेड़ काफ़ी हरा भरा बने रहते हैं। तो इस तरह से हम खाद भी अपने घर में बना सकते हैं। और जो उनकी डंडियां है ना, उसको भी हम जैसे जो ग्रो बैग होते हैं ना हमारे, तो ग्रो बैग में क्या है कि अगर मिट्टी जैसे हमको ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, नीचे से जो हमारी अब हमने बेल जैसे सूख गई और बेल को हमने निकाला और उसको हम सबसे नीचे ग्रो बैग में उसको भर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी जैसे उसकी निकली हुई डंडियां हैं और भी सारी जैसे नारियल का जो बहुत बार हम नारियल खाते हैं, तो नारियल का जो बाहर का छिलका निकलता है उसको भी नीचे से भर के वो सारा डिकम्पोज हो जाता है और हमारे जो खाद जो हमारी मिट्टी होती है ना वो बहुत फ़ायदेमंद बन जाती है। तो इस तरह से हम अपने जो प्लांट को और हमारी अपनी मिट्टी को काफ़ी मजबूत बना लेते हैं